Hi guys, welcome back to my channel Canadially Indian. Thank you very much guys, आपका जितना भी प्यार जितना भी सपोर्ट मिल रहा है जितने भी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो के ऊपर आई एम वेरी लाइकिंग इट और मैं सबको रीच आउट कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको रीच आउट कर सकूँ थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी एंड सॉरी फॉर दैट गाइज सो आज बात करते हैं जो एक नया प्रोग्राम बेसिकली एक पायलट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट निकाल रही है ऑनटेरियो गवर्नमेंट निकाल रही है ONIP के अंडर ये प्रोग्राम आता है ऑनटेरियो नॉमिनेशन इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर ये इन्होंने एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसको बोलते हैं RIPP जो कि रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर दो पायलट प्रोग्राम्स और चल रहे हैं कनाडा के अंदर एक है AIPP एंड दूसरा है RNIP और जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरी वो वीडियोस देखी हैं मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह वो दोनों प्रोग्राम जो हैं एक्सप्लेन किए हैं सो आज हम बात करेंगे इस नए प्रोग्राम के ऊपर सो हर बारी की तरह गाइज मैं जो है इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा पहला ओवरव्यू सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तीसरा जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ओवरव्यू के साथ सारा का सारा मतलब वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज अप्लाई करनी है सो गाइस लेट्स मूव ऑन सो गाइस आते हैं ओवरव्यू के ऊपर सो ओवरव्यू में अगर बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है ये जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स के लिए प्रोग्राम है और 2020 में स्टार्ट हो रहा है अभी जैन है सो अगर आप फेब में या मार्च में अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोग्राम शायद स्टार्ट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा बट अगेन ये अर्ली 2020 में स्टार्ट हो रहा है और 2022 तक ये जो प्रोग्राम है चलेगा और ये एक्सटेंड भी हो सकता है सो ये था इसका पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो है इसके अंदर सिर्फ 150 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं अभी यस गाइज सो आपको जो मैं है सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे करना है कहाँ करना है क्या करना है सो गाइज आपको सिर्फ इसके अंदर एक मोटिवेशन दिखानी है मैंने कई लोगों का देखा है कि मतलब अलग जो दूसरे पायलट प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं उसके अंदर वो रीच आउट करते हैं या नीचे कॉमेंट्स करते हैं कि ये होएगा ही नहीं या दूसरे लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं सो गाइज प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना किसी और के बातें मत सुनना एंड अपना जो है अपना फोकस रखिए अपनी जो है ट्राई और हर प्रोग्राम के लिए जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं आप करते जाइए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम में जरूर फिट होंगे और इमिग्रेशन के थ्रू आप जाएंगे ही जाएंगे सो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा जो मैं अभी बता रहा था 150 एप्लीकेशन है सो आपको बहुत मतलब कहते हैं ना पहले से वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा और फटाफट इसके लिए अप्लाई करना होगा सो गाइस आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर इस ओवरव्यू के वो ये है कि ये जो प्रोग्राम है क्यों स्टार्ट किया गया वाई इज दिस प्रोग्राम स्टार्टेड सो ये जितने भी पायलट प्रोग्राम जो स्टार्ट होते हैं वो छोटी छोटी कम्युनिटीज यानी कि छोटी छोटी सिटीज होती हैं या म्यूनसिपैलिटीज होती हैं मतलब उनके लिए स्टार्ट किया जाता है ऐसे पायलट प्रोग्राम उनकी जो लेबर गैप है वहाँ पे जो लेबर गैप फिल करने के लिए ये जो है प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके आप इमिग्रेट करें और आप उनकी जो इकोनॉमी है उस सिटी को वहाँ पे उधर ग्रोथ दें सो ये जो प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे बनाए जाते हैं तो जब ये प्रोग्राम बनाया गया तो उसके अंदर तीन कम्युनिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि वील गो फॉर इट और ये तीन कम्युनिटीज़ जो हैं ऑनटेरियो की हैं तो इस पहली जो कम्युनिटी है वो है म्यूनसिपैलिटी ऑफ चैटम-केंट ये ऑनटेरियो के अंदर है गाइस दूसरी जो है सिटी ऑफ बेलविल एंड क्विंटी है एंड तीसरी जो है सिटी ऑफ कॉर्नवेल सो ये तीन जो कम्युनिटीज़ हैं इन्होंने ये जो है इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं सो गाइस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये लेबर मार्केट जो लेबर गैप इन्होंने अपनी जो कम्युनिटीज़ में फिल करना है तो उसके लिए जो आपको यहाँ माइग्रेट करा रहे हैं ये कैसे सिलेक्ट होती है कम्युनिटीज़ सो ये कम्युनिटीज़ ऐसे सिलेक्ट होती हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने ये जो आगे जो ऑनटेरियो गवर्नमेंट ने उन्होंने ये रूल रखा था कि कोई भी कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन 20,000 to 200,000 के बीच में है वो इसके अंदर आगे बढ़ के अप्लाई कर सकती हैं और जब एक बार कम्युनिटी अप्लाई करेंगी तो उसके बाद ये इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी तो फिलहाल अभी इसके अंदर सिर्फ ये तीन जो मैंने आपको जो कम्युनिटीज बताई हैं सिर्फ वही हैं अभी आगे जाके और भी ऐड हो सकती हैं या मे बी नहीं भी हो सकती हैं जिससे पायलट प्रोग्राम गाइस सो अभी 2022 तक है मे बी और आगे भी चल जाए और इसके अंदर जो है कम्युनिटीज ऐड हो सो गाइज जो भी नए लोग बाहर से माइग्रेट होते हैं यहाँ पे तो अब उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई नो गाइज इसके अंदर एप्लीकेशन बहुत कम है बट अगेन यू डोंट हैव टू लूज द होप आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करना सो मैं ये पॉइंट बता रहा था कि अगर जो जैसे नए नए जो लोग आते हैं यहाँ पे अगर आप सीधा किसी बड़ी सिटी में जाते हैं या इवन बड़ी सिटी के पास में कहीं रहने जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है सबसे मेन चीज़ होती है जैसे आपका रेंट हो गया या कम्यूट के चार्जेस हो गए आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो गए ये सब बहुत हाई होते हैं बट अगर आप इस किसी छोटी कम्युनिटी से अपना स्टार्टअप लेते हैं जैसे कि अभी चैटम-केंट हो गया ये कोई मतलब कहते हैं ना सिर्फ फोर आवर्स या फोर एंड हाफ आवर्स दूर है टोरंटो से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है आप ड्राइवेबल है मतलब आप ड्राइव करके वहाँ जा सकते हैं सो अब इतना है कि आप अगर इन छोटी छोटी कम्युनिटी से अगर आप
अपना स्टार्टअप लेते हैं तो उसके अंदर बहुत आपके जो है पैसे सेव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत कम है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर इन सिटीज़ के बारे में, अगर जो मैं जो आप कम्युनिटीज है तीनों के बारे में, तो यहाँ पे टू बेडरूम आप आसानी से विद इन 850 to 1300 के आसपास आप जो है टू बेडरूम अपार्टमेंट आप रेंट कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप टोरंटो या उसके पास की सिटी में अगर आप यहाँ पे अगर जाने की कोशिश करेंगे, आपको वन बेडरूम मतलब वन शेयर्ड मेरे ख्याल से आपको एक रूम मिलेगा विद ऑल एवरीबडी एल्स जो भी अपने आपके अपार्टमेंट होगा वो 1300 के आसपास होगा। सो इतना फ़र्क है गाइस। सो आप अगर इन छोटी कम्युनिटी से स्टार्टअप करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब फाइनेंशियली एक बेनिफिट होगा। सो गाइस आते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जितने भी नॉक कोड्स हैं यानी कि 0, A, B, C एंड D सारे के सारे जो नॉक कोड्स हैं इसके अंदर जो है एलिजिबल हैं। और इसके अंदर तीन कैटेगरीज है गाइस। तो तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। पहली आती है फेडरल स्किल्ड वर्कर की जिसके अंदर नॉक 0, A एंड B मतलब लाए करते हैं, तो ये पहली कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो इन डिमांड स्किल्ड वर्कर है जिसके अंदर सी एंड डी जो नॉक कोड है वो लाए करते हैं। एंड जो लास्ट इसके अंदर जो कैटेगरी है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट की जिसके अंदर 0, A एंड B जो स्किल जो नॉक कोड्स हैं वो यहाँ पे लाए करते हैं। सो आप इन तीन किसी कैटेगरीज के अंदर आप इस जो है इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको अगेन गाइस नहीं पता तो मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो 0 है वो मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं, A जो है प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, B जो है टेक्निकल एंड स्किल्ड जॉब्स जितनी भी हैं वो होती हैं, C है जो इंटरमीडिएट जॉब्स होती हैं जितनी भी आती हैं, उसके बाद D जो है वो होती हैं लेबर जॉब। So, आप ये जो है जितनी भी आप नॉक कोड्स हैं ये सारी जॉब्स हैं उनके लिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत बहुत आसान है। सो लेट मी शो यू गाइस कि इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या है वन बाय वन। सो गाइस लाइक एवरी टाइम जो जैसे भी मैं आपको हर बारी की बताता हूँ जो सबसे बेसिक पॉइंट है इमिग्रेशन का वो आइल्स। सो ऑब्टेन आइल्स इज़ अ फर्स्ट थिंग। सो आपके नॉक कोड के हिसाब से जो भी आपका जिस नॉक कोड में अप्लाई करते हो तो उसके हिसाब से आपको जो है आइल्स का स्कोर चाहिए होगा, CLB स्कोर चाहिए होगा। और CLB का सबसे लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 4 है, तो डिपेंड करता है आप किस स्किल में हो, किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कौन सा नॉक कोड इंप्लीमेंट होता है। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट था ऑब्टेन आइल्स। सो गाइज आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है ऑप्टेन ECA रिपोर्ट। सो ECA क्या होता है? एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट होता है। जिनको नहीं पता उसके अंदर ये ECA क्या होता है, इसमें डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कनेडियन इमिग्रेशन ने 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हायर किया है इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, आप किसी भी कंट्री में होते हैं, आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डिग्रीज वगैरह सबमिट कराते हैं और उसके इक्विवेलेंट जो कनेडियन इक्विवेलेंसी के जो एजुकेशन इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो रैंक करते हैं, जैसे कि आप कि यहाँ के हिसाब से आपकी जो एजुकेशन है वो क्या मीट करती है, हाई स्कूल मीट करती है, डिग्री करती है, डिप्लोमा करती है, मास्टर्स करती है। सो गाइज जो मतलब 5 ऑर्गेनाइजेशन है वो है CES, WES जो कि मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज बहुत फास्ट है WES, ICAS, IQAS एंड ICES, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है गाइज। सो लेट मी शो यू कि ये जो ECA रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज आपने जाना है इस लिंक के ऊपर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। सारी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे आप वेस्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं वेस्ट प्रेफर करता हूँ तो मैं वेस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके जो है आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो फिर अप्लाई फॉर वेस्ट ECA यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद अप्लाई फॉर IRCC, यहाँ पे जाके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आप भरेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड, और यहाँ पे जो है एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो गाइस जैसे आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ये यहाँ पे क्रिएट अकाउंट से आपकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वेस्ट वाली लेंगे एंड आपको उसके बाद वो जो है रिपोर्ट जनरेट करके देंगे जो कि आप लास्ट में सबमिट करा सकते हैं। सो गाइज आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है फाइंड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। यस गाइज सो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जॉब भी चाहिए होगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको कैसे जॉब ढूंढनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ हर कम्युनिटी के अंदर, जो तीनों कम्युनिटी हैं, कि आप कहाँ कहाँ जाके जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आते हैं यहाँ पे चैटम केंट की जो यहाँ जो साइट है मेन, जो पहली कम्युनिटी है उसकी, या आप उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं, ब्राउज राउंड कर सकते हैं चैटम केंट के बारे में। जॉब्स के लिए आप यहाँ पे जाएंगे इस लिंक इसके ऊपर, वर्क के ऊपर एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे एंड ये जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फाइंड अ जॉब पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये जो पेज खुलेगा इसके अंदर इनका जो जॉब बोर्ड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी गाइस। यहाँ पे पब्लिक, लोकल और गवर्नमेंट जॉब जो भी जॉब बोर्ड पे यहाँ पे हैं वो
सारी यहाँ पे आएंगी। तो अगर आप देखना चाहें तो कोई भी इस लिंक पे आप देख सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, पर मैं indeed.ca जो मेन साइट है उसके ऊपर आपको रेकमेंड करूँगा, या Chatham-Kent की जो ये जॉब बोर्ड है, जो मेन जो इनका जो है जॉब, यहाँ पे सारी आती हैं। तो आप जब इस लिंक के ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी ओपन जॉब जो अभी हैं, जो अभी हायरिंग चल रही है, वो आप यहाँ पे आपको दिखेंगी। आप इसमें से जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और ये सर्च बार है यहाँ पे, आप अपना टाइटल भी यहाँ पे जो है अपना जो है सर्च करना चाहें आप वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर आप तो गाइस यहाँ पे जो है जो indeed.ca आप ये भी खोल सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप अपना जो है वेयर में जाके यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं, और अपना जो है जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा Chatham-Kent, और यहाँ जाके आप जितनी भी ओपन पोजीशंस होंगी आपको Chatham-Kent की कोई भी एम्प्लॉयर की, वो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जाके Chatham-Kent की कोई भी जैसे IT एनालिस्ट ये खुली हुई है, तो आप यहाँ पे जाके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस ये है, और एक वर्क पॉलिस यहाँ पे एक साइट है, ये भी सेम इंडीड जैसी ही है वर्क पॉलिस। तो इसके अंदर भी जाएंगे, लोकेशन अपनी डालेंगे, आप चाहे तो अपना टाइटल भी डाल सकते हैं, जॉब टाइटल जो आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे बस लोकेशन डालेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे जितनी भी है पोजीशंस आप देख सकते हैं। बस गाइस ये ध्यान रखना कि आपकी जो जॉब है वो परमानेंट हो और फुल टाइम हो, सीजनल या पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप इसके अप्लाई करेंगे। फिर ये दूसरा है जो मैं आपको जो है बेलविल और क्विंटी की जो साइट है, ये इसका लिंक भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, इस एम्प्लॉयमेंट टैब को जब आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ऑप्शंस, या आप देख रहे हैं जितने भी ऑप्शंस यहाँ देख रहे हैं, आप इसके ऊपर जाएंगे, सेम प्रोसीजर है गाइस, आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढने के बाद आपने उसके अंदर जो है अप्लाई करना है। एंड अगर आपको इसमें जॉब नहीं मिलती तो आप indeed.ca पे जा सकते हैं, indeed.ca के अंदर जाके यहाँ पे जो है अपना जो दोनों में से जो भी आपको सिटी है, जो बेलविल या क्विंटी के अंदर जिसके अंदर भी आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पे अपना जाके अपना लोकेशन डाल सकते हैं और जाके सर्च कर सकते हैं गाइस। सो दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड जो कम्युनिटी है हमारी जो यहाँ पे है, वो कॉर्नवॉल सिटी ऑफ कॉर्नवॉल की है। सो ये उसका मेन पेज है, जॉब्स पे जाएंगे अगर आप ये जो यहाँ पे जाएंगे, आपको जितनी भी ओपन जो भी अभी जो क्या कहते हैं जॉब्स हैं यहाँ पे सारी आपको देखेंगी। अगेन गाइस आप इसके अंदर जा सकते हैं, नहीं तो indeed.ca में जा सकते हैं। आप यहाँ पे भी जाके कॉर्नवॉल डालेंगे अपनी जो लोकेशन है वहाँ जाए डाल के, अब जो भी ओपन जो जॉब्स होंगी वो भी वो आपके सारी यहाँ पे सामने आ जाएगी। जैसे टेक्निकल सपोर्ट की यहाँ पे एक जॉब है, तो आप यहाँ पे इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो गाइस ऐसे आपको जो है यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है, और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि आपको जॉब कैसे अप्लाई करनी है, रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है गाइस, किस किन चीज़ों का ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एक ऊपर कार्ड छोड़ रहा हूँ, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए कि आपका मैं रिज्यूमे इवैल्यूएट करूँ, आपका रिज्यूमे देखूँ और कि आपको कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट करता है कि नहीं, आप मेरे को रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं गाइस। मेरे को सिर्फ आपको इंस्टा पे DM करना होगा और मैं आपको आपके साथ आपको जो है रिज्यूमे का फॉर्मेट भी दूंगा, एंड साथ ही साथ मैं जो है आपका जो रिज्यूमे है वो उसको इवैल्यूएट भी करूँगा गाइस। सो गाइज आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब फोर्थ पॉइंट है अप्लाई फॉर ONIP। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऑन्टारियो के जो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम पड़ता है, तो आपको उसके अंदर जो भी तीन जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी पहले कि जो FSW यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर हो गई, इन डिमांड स्किल वर्कर हो गई, या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गई, आप जब एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई आप सारी जब एक बार वहाँ उस स्टेज तक पहुँच जाएंगे, यानी कि जो पहला पॉइंट 3 मैंने आपको बताया है, आप जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे जब सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा तो हम इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। लेट मी शो यू गाइस कि आप जब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो गाइस आते हैं इस पेज के ऊपर। ये जो पेज है मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के लिए, तो आप इस पेज के ऊपर आप जाएंगे और जो ये जो यहाँ पे जाके आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर आप सारी गो थ्रू करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करने के बाद अगर आप इस स्ट्रीम के अंदर आते हैं तो, और यहाँ पे सबमिट एन एप्लीकेशन क्लिक करेंगे जब हो जाएगा। ये सेकेंड जो पेज है ये भी जो मैंने लिंक जो है इन जो लिंक ये दिया हुआ ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के लिए जो सेकेंड मैंने आपको बताई थी, अगर आप इसमें लाया करते हैं तो आप ये इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आप गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करने के बाद सबमिट एन एप्लीकेशन करेंगे। एंड गाइस जो लास्ट स्ट्रीम मैंने आपको बताई थी जो स्टूडेंट्स की, तो जो ये स्टूडेंट्स वाली मैंने इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम का, आप अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो आप इसको भी आप ओवर गो कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद पढ़ सकते हैं इसको एंड उसके बाद सबमिट एन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप किसी भी उसके ऊपर जाएंगे सबमिट एन एप्लीकेशन जब करेंगे तो ये सेम पेज खुलेगा जो कि ऑन्टारियो गवर्नमेंट का है। सो आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रॉबर्ट करेंगे। सो ये गाइस मैं जैसे आपको बताया था
था OINP के अंडर आता है, तो ऑनटेरियो में इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर आते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू करेंगे, आप इसके अंदर जो है जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, जब आप रिटर्निंग यूज़र होंगे एक बार ही अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो वहाँ जा सकते हैं। न्यू एप्लीकेंट हैं तो आप इस पर कर सकते हैं, न्यू रिप्रेजेंटेटिव है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं गाइस। सो गाइज आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है अप्लाई फॉर PR। सो PR का जो प्रोसेस है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे अप्लाई करना है, और आपको जो मैं पेज दिखाऊंगा उसके अंदर आपको सारा जो है पेज एक बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा, हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या चाहिए उसके अंदर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ और वॉक थ्रू करके दिखाता हूँ कि कौन सा पेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज आते हैं इस जो लिंक के ऊपर, जो मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप इस लिंक पे जाएंगे इस इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए PR के लिए। तो ये IMMP 7000 है और इसके अंदर जो है चार स्टेप्स है गाइज। सो ये चार स्टेप जो है ना नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला जो है वो है गैदर डॉक्यूमेंट्स। सो आप जब गैदर डॉक्यूमेंट्स क्लिक करेंगे तो नीचे ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी पेज के ऊपर नीचे खुलेगा, ये स्टेप वन, और यहाँ पे जो आपको ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए देगा गाइज। सो आपको ये डाउनलोड करनी, कंप्लीट डाउनलोड करके फिल करनी है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें यू नो प्रोवाइड करनी है आपको, और उसके बाद जो है सेकंड स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। इस सेकंड स्टेप कंप्लीट द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ही दोबारा से सारे के सारे फॉर्म्स दिए गाइस। अगेन आपको सारे के सारे डाउनलोड करने हैं, ऑनलाइन फिल करने हैं कंप्यूटर पे, और फिर जो है इसका प्रिंट आउट निकालना है गाइस, जो भी आपको जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सारे। उसके बाद गाइस ये जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो पे द फीस है। आप जैसे ही पे द फीस पे दबाएंगे, ये नीचे उसी पेज के अंदर ये ऐसा आपको एक जगह दिखाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो एप्लीकेशन फीस है, नॉर्मल इमिग्रेशन फीस जो है वो $1040 कनेडियन डॉलर्स है गाइस, US डॉलर नहीं है। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी है उन्होंने यहाँ पे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस किस के लिए क्या क्या फीस लगेगी, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए। उसके बाद गाइस हम आते हैं जो उसका लास्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है मेल दी एप्लीकेशन, जो स्टेप 4 है। अब मेल दी एप्लीकेशन इसलिए गाइस क्योंकि ये एक जो है पेपर बेस्ड है, ये ऑनलाइन नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका जो है ये एक प्रॉपर मेलिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो खुलेगा कि, और ये मेलिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको स्क्रोल अप करूँ, मेलिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे बता देगा एनवेलप कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। अगर आप इसको रेगुलर मेल से भेज रहे हैं तो आपको जो है ये इस एड्रेस के ऊपर भेजना है गाइस। अगर आप इसको कोरियर से भेजेंगे, तो अगर बाय कोरियर भेजेंगे तो ये जो नीचे दिया हुआ एड्रेस है उस पे भेजना है। सो गाइस होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट बाय पॉइंट सारी समझ आ गई होगी। एंड आई विश कि आप इसके अंदर जल्दी जल्दी अप्लाई करें, जैसे जैसे यू नो प्रोग्राम स्टार्ट होता है आप इसके अंदर अप्लाई करें, आपको नॉमिनेशन मिले। एंड गाइस सिर्फ ये नहीं है, मैं PNP प्रोग्राम की जो सीरीज़ है वो भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर और वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत जल्दी गाइस। एंड जिसने RNIP की वीडियो नहीं देखी, जो रूरल एंड इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहा है, नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो भी बहुत मतलब पॉपुलर हो चुकी है और उसके अंदर यू नो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर और कम्युनिटीज भी जुड़ने वाली है ऐसा मैंने सुना, अभी तक जुड़ी नहीं है बट यस अभी बहुत आगे इंक्रीमेंट भी होने वाला है, आप उसमें भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर कार्ड भी आ रहा होगा RNIP का, तो आप RNIP भी वीडियो देख सकते हैं। और जो सेकंड जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी जो इंटरनेटिंग कैनेडा के जो चल रहा है वो है AIPP, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है गाइस, उसके अंदर कई लोगों को जॉब्स भी मिली हैं, मैंने रिज्यूमे भी शेयर किया था, IELTS भी शेयर किया था मटेरियल। सो ऊपर यहाँ पे भी कार्ड आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दोनों वीडियोज़ के दिए, आप देख सकते हैं। AIPP के जो प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, सो आप उसके वहाँ पे भी जाके उस प्रोग्राम में भी जाके के अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ गाइस हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल गाइस, जितनी भी मेरी अपडेट्स आपको आती रहेंगी। एंड आई बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।